हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखते हैं, देखिए जैम प्रिपरेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो जो जैम प्रिपरेशन होती है उसमें सबसे पहले हम जब सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स करते हैं, देखिए जैम प्रिपरेशन, इसमें सबसे पहले जब हम सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, एक फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, जिसमें हम जनरली एप्पल ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, या हम लास्ट में बनाना भी ले सकते हैं। ये क्यों है ऑर्डर ऐसा? क्योंकि ये डिपेंड करता है जिसमें सबसे ज्यादा पेक्टिन होगा, उसमें जितना ज्यादा पेक्टिन होगा उतना अच्छा हमारे पास वो जैम बनेगा। दूसरा स्टेप होता है, और हम इन फ्रूट्स को राइप किस स्टेज में करते हैं, ये मतलब हार्वेस्ट किस स्टेज में करते हैं, जब ये राइप स्टेज में होते हैं, ठीक है। और जब इनको हमने एक बार हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद हम इसकी वॉशिंग करते हैं। ठीक, वॉशिंग के बाद इसकी प्रेपरेशन करते हैं। प्रेपरेशन करने का मतलब क्या हुआ? प्रेपरेशन करने का मतलब हुआ कि जैसे एप्पल है, उसके बाहर से उसका पीलिंग कर देंगे, पील ऑफ कर देंगे। वो पील ऑफ करने के बाद जो वहां पर बचेगा, जो अंदर उसके जो सीड्स होंगे उसको निकाल देंगे, बाकी मटेरियल निकाल देंगे। प्रेपरेशन के बाद हम ये ब्लेंचिंग करेंगे, ठीक है। ये जो ब्लेंचिंग होती है, ब्लेंचिंग हम मेनली वेजिटेबल्स में करते हैं, ठीक है। इन तो इनको लेकिन हम ऑनियन और गार्लिक में नहीं करते हैं, वेजिटेबल्स में करते हैं, लेकिन ऑनियन और गार्लिक में हम इसको नहीं करते हैं। और ब्लेंचिंग हम कितने टाइम के लिए करते हैं फ्रूट्स की? 3 से 5। तो ब्लेंचिंग करते क्यों है, ये तो सबसे पहले हम देखेंगे। इनको 3 से 5 मिनट के लिए ब्लेंचिंग करते हैं हम। ब्लेंचिंग का मतलब वो, इसको बॉइलिंग करते हैं हम। इसकी बॉइलिंग से क्या होगा? बॉइलिंग से इसका कलर प्रिजर्वेशन हो जाएगी। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कलर को प्रिजर्व करना। अब देखिए, जब इसका कलर प्रिजर्व हो जाएगा, किसकी वजह से? जो देखो, जो इसका कलर डीजनरेट किसकी वजह से हो रहा है? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से। इसका कलर डीजनरेट हो जाता है, लेकिन जब हम इसको बॉइलिंग करते हैं तो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ब्लेंचिंग के बाद क्या करेंगे? ब्लेंचिंग के बाद इसको फ्रूट कटिंग हम करेंगे। और उसमें हम शुगर मिलाएंगे। उसके बाद इसमें एसिड मिलाएंगे। तो फ्रूट कटिंग में जब इसका जो हम उसका एक्चुअली में पल्प उसका एक्सट्रैक्ट कर देंगे हम, पल्प एक्सट्रैक्शन। एसिड हम इसमें कितना मिलाएंगे? 1 to 3 ग्राम पर केजी।
ये एसिड क्यों मिलाएंगे? एसिड जनरली हम मिलाते हैं ताकि जो टेस्ट एनहेंसमेंट हो जाए। ओके तो अब अगर हम देखें इसमें फ्रूट पल्प कितना होता है जैम में, जैम में जो है फ्रूट पल्प कितना लेते हैं? फ्रूट पल्प हम इसमें 45% लेते हैं, ठीक है। टोटल सॉल्यूबल साल्ट्स TSS 68 डिग्री ब्रिक्स लेते हैं। डिग्री ब्रिक्स परसेंटेज के इक्वल भी होता है, जो कि रिफ्रेक्टोमीटर का भी यूनिट है। वाटर कितना होता है? वाटर अगर जैम या जेली में देखें दोनों में इसमें 33 से लेकर 38% तक होता है। और इन्वर्ट शुगर, कितना होता है? 30 से लेकर 50%। और अगर TSS हमारे पास 68 डिग्री ब्रिक्स तक आ गया, इसका मतलब हमारे पास जैम प्रिपेयर हो चुकी है। और जब टेम्परेचर हम उस सॉल्यूशन का 105 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है, तब भी जैम हम कहते हैं कि प्रिपेयर हो गया। और ड्रॉप टेस्ट करते हैं हम इसमें, मतलब कि एक ड्रॉप हम जैम का डालेंगे वाटर में, अगर वो वाटर के साथ मिक्स हो गया, इसका मतलब अभी जैम हमारे पास रेडी नहीं हुआ है। अगर वो जैम उसके साथ मिक्स नहीं हुआ, इसका मतलब वो रेडी हो चुका है। अगर इसको 80 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ज्यादा पर अगर इसको हमने स्टोर किया, तो इसमें मोल्ड प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए हम इसको 80 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कम में स्टोर करते हैं। तो जजमेंट ऑफ एंड पॉइंट में देखें तो 68 डिग्री ब्रिक्स TSS होना चाहिए। टेम्परेचर टेस्ट जो है वो 105 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। ड्रॉप टेस्ट ठीक है, ये कर सकते हैं। तो थैंक यू।